अकोला में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाए गए उड़ान पुल का 6 महीने के भीतर खिसक जाने को लेकर शिवसेना के उद्धव गुट की नेता सुषमा ने आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कब तक अकोला वासी चुप रहेंगे, हर किसी को आगे आना होगा और अपनी आवाज और अपने सवाल बीजेपी सरकार से पूछने होंगे। ऐसा कैसा पुल निर्माण किया गया कि जो 6 महीने में खिसक जाता है। वहीं अकोला के हरिहर पेठ में बनाए गए नदी पर पुल को लेकर उन्होंने तंज भरे लहजे में आठवा अजूबा उसे कह डाला। नहीं, उसके विवाद के बारे में हमने कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन एक ही गुट का संपर्क प्रमुख और जिला प्रमुख अगर एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी काम के कमीशन की वजह से वो लड़ झगड़ रहे हैं, तो यकीनन यह बात बड़ी ही बेहद दुखद बात है। एकनाथ शिंदे साहब ने जरा देखना चाहिए, कमीशन का बंटवारे का काम भी अगर वहीं से हो गया तो शायद इधर लोग नहीं झगड़ेंगे। मुझे लगता है शिंदे साहब ने कमीशन का भी किसको कितना हिस्सा देना चाहिए वहीं से तय करना चाहिए।